नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के सिंधिया घाट स्थित दत्तात्रेय मंदिर के पास दुराचारी बाबा सदानंद, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, मुंबई से आई महिला को शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। यहां तक कि नशे की हालत में उस महिला को मारता भी था, जिससे तंग आकर महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसकी तहरीर पर चौक थाना प्रभारी आशुतोष तिवारी ने मौके पर बाबा को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेज दिया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। नहीं नहीं, हाँ सर, ये बाबा क्या मामला है, कहाँ से पकड़ा, क्या इसका पकड़ है? बाबा, ये इनका नाम सत्यानंद भारती है। इनके पास एक महिला लड़की करीब एक साल पहले जुलाई 2018 में आई थी अपने पिता का अस्थि विसर्जन करने के लिए। फिर उसको बाबा बरगला के उसके साथ दुष्कर्म किए, फिर लगातार करते रहे। अंतिम तौर पे वो इतनी दुखी प्रताड़ित हो गई कि पुलिस थाने पर आई, उसका मुकदमा लिखकर अमरकड़िका घाट के पास से इनकी गिरफ्तारी की। क्या क्या धारा लगाए इनके? नाला इन पर बलात्कार की धारा है और किसी को बंधक बना के रखना 376, 342 और जो संबंधित योजना क्रम में वही चीजें आ रही है, उसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। शादी का झांसा दिए थे, इसके अंतर्गत 497 का भी धारा उसमें बढ़ाया जाए।